हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रतिष्ठा और आज का जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूं सिलेंडर को लेकर होम डेकोर। कभी ऐसा सोचा है आपने? बट हाँ, मैं आपको सिलेंडर को कैसे आप होम डेकोर में यूज कर सकते हैं वो मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगी। क्या होता है ना, जो सिलेंडर होता है घर में जगह होती है, रखा रहता है, पर वो एक जगह घेर रहा है। क्यों ना हम उसे अपने घर में एज अ होम डेकोर यूज करें और रेंटेड अपार्टमेंट में, या आप ज्यादा अगर शिफ्टिंग वगैरह करते हैं तो फर्नीचर ज्यादा नहीं ले पाते हैं, या कह सकते हैं रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो जगह नहीं होती है, तो ऐसे सिचुएशन में आप सिलेंडर को यूज कर सकते हैं होम डेकोर के लिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो में और देखते हैं कि कैसे मैंने सिलेंडर को यूज करा है अलग अलग तरह से अपने घर को सजाने के लिए। आपके साथ में मैं अलग अलग टाइप से होम डेकोर शेयर करने वाली हूँ सिलेंडर को यूज कर। अगर आपके पास में भी कोई आइडिया हो ना तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना, साथ में मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे शेयर कर सकते हो अपने पिक्स वगैरह जो भी आपको अच्छा लगता है। तो चलिए चलते हैं, फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे सिलेंडर को यूज करना है होम डेकोर में। तो ये है सिलेंडर और ये हम सबके घर में होता है और कभी कभी तो ये अच्छा खूबसूरत दिखता है, अच्छे ढंग से पेंट वाला मिलता है हमको। कभी कभी ये इस तरह से इसका पेंट रंग रूप सब उड़ा हुआ मिलता है। जैसे मेरा ये सिलेंडर इस बार का मुझे डिलीवर हुआ है जो काफ़ी बुरी हालत का है। तो इस तरह तो हम इसे घर में सजाने में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना है, इसका हम करते हैं कायाकल्प, मतलब इसका रंग रूप बदल देते हैं। तो इसको बदलने के लिए हम इसे पेंट तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये हर मंथ या हमेशा चेंज होता रहता है। तो क्या करना है, इस सिलेंडर को हम कवर कर देंगे सिलेंडर कवर से। और ये जो सिलेंडर कवर है आपको बाजार में बहुत ही आराम से अवेलेबल होता है। अगर ना मिले तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इजीली इसे मंगा सकते हैं ऑनलाइन भी। और ये जो सिलेंडर कवर है परफेक्ट सिलेंडर के नाप का होता है, आप चाहें तो इसे घर पर भी बना सकते हैं, या अगर आप सिलेंडर कवर नहीं यूज करना चाहते हैं तो कोई भी कपड़ा, अच्छा कलरफुल क्लोथ लेकर और इसे पूरे को रैप कर सकते हैं। तो अब लग रहा है ना ये अच्छा, अब हम इसे अपने होम डेकोर में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो सिलेंडर था अंदर वो पूरी तरह से कवर हो चुका है और ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से ये जो कवर है आप इससे अलग अलग कलर में मंगा सकते हैं अपने घर के इंटीरियर के हिसाब से, अपने घर के कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो मैंने यहाँ ब्लू कलर लिया है। तो जो मेरा पहला आइडिया है इस सिलेंडर को यूज़ करने के लिए, क्या करना है, आपको जो केक का बेस होता है या कोई भी एक ऐसी चीज़ लें जो आपके सिलेंडर के ऊपर एक बेस तैयार करे। तो मैंने यहाँ केक का बेस लिया है जिसे वाइट पेंट कर लिया है और उसके ऊपर अब मैंने रख दिया है एक इंडोर प्लांट। तो ये एक आपका इंडोर प्लांट का स्टैंड तैयार हो जाता है। आप इसे अपने लिविंग रूम में, अपने घर में किसी भी कोने पर रख कर और इंडोर प्लांट को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा लगता है, आपका एक बोलते हैं इंडोर प्लांट के लिए एक स्टैंड तैयार हो गया जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। और ये जो सिलेंडर का कवर है इसे आप अपने इंटीरियर के कलर के हिसाब से या जो कलर कॉम्बिनेशन आपने अपने रूम के लिए चूज किया है उसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है आप इसे अपनी बालकनी में यूज कर सकते हैं, सेम प्लांट स्टैंड की तरह जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ करा है ये छोटा वाला प्लांट ऊपर रखने के लिए। तो इस तरह आप इसे अपनी बालकनी में या ऐसे जहाँ प्लांट्स वगैरह रखे हों वहाँ आप रखकर और यूज़ कर सकते हैं। तो कवर करने के बाद में ये बहुत ही अच्छा लगता है और पता ही नहीं चलता कि सिलेंडर यहाँ पर रखा हुआ है। तो जैसे हमने रूम में इंडोर प्लांट के लिए स्टैंड बनाया, सेम वैसे ही हम इसे बालकनी में अपने प्लांट्स के लिए स्टैंड बनाकर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ऊपर एक प्लांट रख दिया है, नीचे कुछ प्लांट रखे हुए हैं। नेक्स्ट मेरा आइडिया है हम इसे एज अ साइड सोफा टेबल भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके सोफे के बीच में जगह है दोनों सोफों के बीच में तो आप उसमें भी रखकर इसे यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसमें जो सिलेंडर का कवर है उसे अपने सोफे के मैच का ले सकते हैं या कॉन्ट्रास्ट ले सकते हैं। इसके ऊपर वही मैंने केक का बेस जो है वो रख दिया है कलर कर। इसकी जगह आप कोई भी दूसरा बेस तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टीवी का रिमोट रख दिया है और
कोस्टर्स रख दिए हैं, साथ में कुछ इंडोर प्लांट रख दिया है और एक बॉटल में कुछ एलईडी लाइट्स डालकर रख दी है। ये एलईडी लाइट्स बैटरी ऑपरेटेड है, ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट मेरा आइडिया है, हम किसी भी घर के कोने में एक खूबसूरत सा कोना तैयार कर सकते हैं जिसे हम सजा सकते हैं साइड टेबल बनाकर। तो यहाँ मैंने सिलेंडर रखा है और उसके ऊपर एक प्लाईवुड रख दिया है। आप चाहें तो घर में जो बोलते हैं पटा वगैरह होता है ना, वो भी रख सकते हैं। उसके ऊपर मैंने एक कपड़ा बिछा दिया है और आप चाहें तो जो क्रोशिएट वाला सुंदर सा कपड़ा होता है वो भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। और यहाँ पर मैं रख रही हूँ एक बुद्धा फेस, उसके आगे यहाँ पर मैं प्लेस करने वाली हूँ एक उरली जिसमें मैंने पानी भर दिया है और उसमें डालूंगी मैं कुछ फ्लावर्स। आप नेचुरल फ्लावर्स भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर आर्टिफिशियल फ्लावर्स यूज किए हैं। अब यहाँ पर मैं रखूंगी दो टी लाइट होल्डर्स। तो जो टी लाइट होल्डर्स मैं यहाँ यूज कर रही हूँ वो बैटरी ऑपरेटेड है, दिया जलाकर नहीं रखना है, कैंडल जलाकर नहीं रखनी है क्योंकि ये सिलेंडर है। तो मेक श्योर आप जो भी चीज इसके ऊपर रखें वो बैटरी ऑपरेटेड हो। और अब मैंने यहाँ पर एक इंडोर प्लांट रख दिया है, तो ये पूरा एक खूबसूरत सा जेन कॉर्नर बोल सकते हैं, या एक इस तरह से आप एक कॉर्नर क्रिएट कर सकते हैं अपने घर में जो कि बहुत ही प्यारा लगेगा देखने पर। तो यहाँ पर मैंने साइड में एक बॉटल में वही एलईडी लाइट्स रख दी है, बैटरी ऑपरेटेड, ठीक है। तो ये देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत खूबसूरत, और ये एक ऐसा कॉर्नर आपके घर में बनेगा जो भी आएगा सबसे पहले इसी को देखकर अट्रैक्ट होगा। और ये आपने सिलेंडर के ऊपर बनाया है, ये तो कोई कह ही नहीं सकता देखकर। तो लग रहा है ना ये साइड कॉर्नर बहुत ही खूबसूरत, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर में और मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट मेरा आइडिया है, अगर आपके पास में स्पेस की कमी है या आपके पास में इस तरह का कोई स्टैंड वगैरह नहीं है तो आप ऐसे अपने एंट्रेंस के साइड में या एंट्रेंस के पास में इसे रखकर सिलेंडर को और उसके ऊपर एक बड़ा प्लाईवुड रखकर बैग वगैरह रखने के लिए एक स्पेस बना सकते हैं जहाँ पर आप अपने स्कूल बैग, ऑफिस बैग वगैरह रख सकते हैं। या आप यहाँ पर एक छोटी बास्केट रखकर उसमें अपनी कीज वगैरह भी रख सकते हैं। नेक्स्ट मेरा आइडिया है, इस तरह का एक कॉर्नर हम अपने घर पर क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर हम बैठकर अपना मी टाइम निकाल सकते हैं या चिट चैट कर सकते हैं, या बालकनी में आप इस तरह का एक छोटा सा कॉर्नर क्रिएट कर सकते हैं अपने घर में। तो कैसे करना है, यहाँ पर मैंने दो चेयर रख दी है, बालकनी चेयर्स, और उसके ऊपर मैंने कुशंस रख दिए हैं। ये सिटिंग कुशंस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिलेंडर के ऊपर अगेन मैंने एक बड़ा प्लाईवुड रखा है, आप चाहें तो एक ग्लास का जो बोलते हैं ना ग्लास आता है वो भी रख सकते हो आप। और उसके ऊपर मैंने यहाँ दो टी लाइट्स रखे हैं, जो टी लाइट हैं वो बैटरी ऑपरेटेड हैं। और उसके साथ में मैंने रखा हुआ है यहाँ पर एक इंडोर प्लांट, और नीचे मैंने सिलेंडर के आगे रखा है अपना एक इंडोर प्लांट, और ये मेरे बेटे की टूटी हुई चेयर थी जिसे मैंने इंडोर प्लांट का स्टैंड बना दिया है। तो इस तरह से हम सिलेंडर को कई तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने घर में। चाहे तो आप सिर्फ इसे कवर लगाकर भी अपने किचन में रख सकते हैं जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके ऊपर आप फ्रूट बास्केट रख सकते हैं या चाहे तो कुछ भी ना रखें। तो ये थे मेरे कुछ आइडियाज़ सिलेंडर को यूज़ करने के। आपके पास अगर कुछ इस तरह के आइडियाज़ हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर शेयर करना। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा ना? मुझे पता था। अगर अच्छा लगा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लिया करो यार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा मुझे पता है, और नहीं किया है तो कर लेना। मिलते हैं इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।